हेलो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं अपना प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का सेकंड पार्ट जो कि आज कवर होने वाला है। पार्ट वन में हमने इनका कुछ बेसिक चीज़ें देखा था, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखा था और अब यहाँ पर उसके थोड़े से मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जहां दिया हुआ है अ मैन बाय पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 6 for 5 rupees and sells at the rate of 5 for 6 rupees, then find the profit or loss percent। एक आदमी 5 रुपए में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है और 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। अब ऐसे में आपको बताना है कि इसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देखो यहाँ के केस में देखा जाए तो दो चीज़ें दिया हुआ है, एक नंबर दिया है और एक प्राइस दिया हुआ है। तो क्यों ना हम उनको लिख लें, नंबर और प्राइस। अब यहाँ एक सीपी है और एक एसपी है। सीपी में आप देखेंगे तो 6 पेंसिल 5 रुपये में, जबकि यहाँ 5 पेंसिल 6 रुपये में। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होगा और फ्रैक्शन में जाके सॉल्व करना तो और मुश्किल होगा। बेटर ये है कि ये नंबर को आप इक्वल कर दो। देखो 6 है 5 है, एक बराबर करने के लिए 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 बनाना है। 6 को अगर 30 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, इधर 5 में किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 6 से। नया आपका नंबर और प्राइस दोनों ही आ जाएगा। 5 into 6 हो जाएगा 30 जो कि होगा 25 के बराबर। 6 into 5 हो जाएगा 30 और 6 into 6 हो जाएगा 36। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि 30 आर्टिकल को 25 में बेचा और उसी 30 को खरीदा था 25 और बेचा है 36 में। इसको यहाँ फायदा हुआ है कितने का, 11 पे, कितने पर, 25 पर। तो प्रॉफिट है 11/25 into 100%, कैंसिल आउट हो जाएगा ये 4, 11 into 4 44% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान सा था। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। ये रहा आपके स्क्रीन पर अ मैन बाय सम लेमन एट द रेट ऑफ 2 for 1 rupees and the same number of lemon at the rate of 2 for 1 rupees। यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा एडिट कर लेना है, 1 for ये हो जाएगा कितना, 2 rupees, क्योंकि 2 for 1 rupees तो था ही। अब 1 for 2 rupees कर देना है। ठीक है, दिया हुआ एक आदमी 1 रुपये में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और 2 रुपये में 1 की दर से समान नींबू खरीदता है। देखो यहाँ पे ठीक था। अब बोला क्या है, ही सेल्स देम एट द रेट ऑफ 3 for 3 rupees, 3 रुपए के 3 की दर से उसे बेच दिया। देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सीपी 2 है, 1 और 2 2 सीपी है, नंबर आपका और प्राइस आपका इधर। देखो पहले तो बोला है क्या, 2 1 रुपये में, यहाँ बोला है 1 2 रुपये में, लेकिन एक वर्ड यूज किया था जो था सेम नंबर ऑफ लेमन, 1 बराबर सेम नंबर ऑफ लेमन। तो ये तो अलग अलग है, इनको इक्वल कर देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा कि एक बार वो 2 नींबू 1 रुपये में खरीदा, जबकि एक बार वो 2 नींबू कितने में, 4 रुपये में खरीदा। ओवरऑल अगर सीपी की मैं बात करूँ तो 4 लेमन 5 रुपीज़ में वो खरीदा है। ठीक है, अब एसपी की बात कर लिया जाए। एसपी क्या था, 3 रुपए का 3, इसका मतलब साफ है कि 1 रुपये का 1, जब 3 रुपए के 3 तो 1 रुपये के 1 और हमें क्या चाहिए, 4। तो एसपी हो गया 3 for 3 rupees या बोल सकते हो कि 1 for 1 rupees, हमें चाहिए 4 तो 4 for 4 rupees, यानी एसपी आ जाएगा 4 रुपये में 4 लेमन। दिख रहा है यहाँ एक का लॉस कितने पर? 5 पर। तो लॉस परसेंट आ जाएगा 1/5 मतलब 20%। 20% का इसको हो गया है नुकसान, ठीक है। 20% का लॉस हुआ है, यहां पर आपको दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। होल सेलर गिव्स 36 पेन्स टू अ रिटेलर एट MRP of 33 pence. Find the profit percent of retailer if he sells all the pens at MRP. ये क्या कहना चाह रहा है? देखो होता क्या है नॉर्मली, आप जब जाओगे अगर आप एक पेन खरीद के लेके आते हो, जैसे यूज एंड थ्रो पेन अगर एक खरीद के लेके आते हो 3 रुपीज़ की एक मिलती है, लेकिन वहीं एक पैकेट लेके आते हो अगर आप, कितना होता है? 5 होती है। तो 3, 5 या 15 होना चाहिए, लेकिन शॉपकीपर आपको वो 12 या 13 में ही दे देता है पूरा पैकेट। अब उसमें क्या होता है? फ़ायदा होता है, मतलब वो थोक में आप खरीद के लेके आए हो। सेम वही चीज़ होता है यहाँ पे। होल सेलर जो है लेगा तो सिर्फ 33 पेन का ही पैसा, लेकिन उसको पकड़ा देगा 33 पेन का पैसा लेगा और 36 पेन दे देगा। अब ये क्या करेगा रिटेलर? 3 लोग की बात है, देखो होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर। ये इसको दिया है 36 पेन, लेकिन पैसा लिया है सिर्फ 33, ये 36 बेचेगा भी 36, यही तो चीज़ है। तो देखो अभी क्या करना है आपको कि ये मान के चलो कि प्राइस ऑफ या एमआरपी ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 1 रुपीज़, सिंपल हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि सीपी ऑफ कितनी पेन है? 36 पेन। सीपी ऑफ 36 पेन, जो रिटेलर है वो 36 पेन खरीदा, लेकिन पैसे कितने का पे किया? सिर्फ 33। और बेचा कितने का? एसपी ऑफ 36 पेन, उसने सबको 1-1 रुपये का बेच दिया, मतलब 36 का बेचा। इसमें इसको फायदा कितने का? 3 का। तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 3/33 यानी 1/11। 1/11 कितना होता है? 9.09%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? 9.09। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर होलसेलर गिव्स 40 पेन्स टू अ रिटेलर एट मार्क प्राइस ऑफ 36, मतलब सीपी ऑफ पेन हो जाएगा 36। अब बोला हुआ यहाँ के बाद से कि द रिटेलर सोल्ड ऑल द पेन्स आफ्टर 1% डिस्काउंट। इसका मतलब हमें एक चीज़ और देखना पड़ेगा यहाँ पर। एमपी ऑफ पेन कितना हो गया? 40 40। उस पर डिस्काउंट दिया है, वो डिस्काउंट 40 पर 1% कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 40 पैसे का। यानी एसपी ऑफ पेन हो जाएगा कितना आपका? 40 रुपीज़ में से 40 पैसा कम करेंगे तो 39.60 हो जाएगा। आपको दिख रहा है अभी प्रॉफिट 36 का खरीद के 39.60 में बेचा है वो, तो यहाँ से माइनस करेंगे, ये दिख गया आपको कितना? 3.6। तो ये प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाई सीपी कितना था? 36। 1/10 हुआ, यानी कि 10% का इससे हो गया है प्रॉफिट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है अ मैन परचेज सम आर्टिकल्स एट, ये कुछ रुपया दिया हुआ है, ही सेल्स 2/3 ऑफ देम एट 13% प्रॉफिट, then at what profit percent did he sell the remaining to gain overall 9% profit? अब देखो यहाँ देखा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मली ये वैल्यू है उसका 2/3 निकालोगे, एक वैल्यू आएगी, उस पर फिर 13% लगा के और तब जाके एस पी लेके आओगे, फिर 1/3 जो बचा उस पर देखा जाएगा, लेकिन इस पर फिर 9% निकालोगे, फिर प्रॉफिट देखोगे, फिर माइनस करोगे, सॉल्व करोगे। अगर इतना करने लगोगे तो करते रह जाओगे, कर नहीं पाओगे। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। 2/3 है तो मतलब 3 पार्ट में इसको बांट दो, इसका पार्ट बांट दो कितना? 1 टू और थ्री, ऐसे ही तीन पार्ट चाहे काम करते हैं। ऐसे पार्ट में अलग लिख देता हूँ, पार्ट वन और ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, ठीक है। यहाँ फर्स्ट केस में देखो टू थर्ड, मतलब दो पार्ट पर तो उससे 13% का प्रॉफिट हुआ होगा, दो पार्ट पर 13 थर्ड पार्ट पर नहीं मालूम है, लेकिन बोला है ओवरऑल प्रॉफिट 9%, मतलब सभी पर उसे ओवरऑल 9% का प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, P% नहीं मालूम है, इन्हीं से तो ये बना होगा। यानी सीधे आप कर सकते हैं, कितनी बार है, दो बार है, दो बार 13 तो 13% प्लस पी यही बराबर है, तीन बार है 9, ये पी इज इक्वल टू, देखो 9×3 = 27 और 13×2 = 26%, आया कितना 1%। 1% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी एकदम आसानी से आ जाएगा। और ये तरीका बहुत ही यूजफुल होता है और बहुत ही आसान होता है। इस तरीके से आप जाएंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसको 5 पार्ट में बांटना है, तो 1 2 3 4 और 5 5 पार्ट में बांट दो। 3 पार्ट में इससे हुआ है प्रॉफिट 17 17 17, ये पीपी, ठीक है। देन एट दी व्हाट परसेंट, हाँ ये क्या करना है, 12 12 12 12 और 12, तो 17 × 51 और ये हो जाएगा 12 25 60, मतलब आपको 2P, ये 2P है ना दो बार, और ये 12 5 हो गया 12 25 60 माइनस ये 17 कितना हो गया आपका 51, ठीक है 17 51। अच्छा ये करना पड़ता, 12 25 60 17 51, ठीक है। P इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4.5%। 4.5 इसको कर लेना है, 4.5%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आसानी से आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है, कितना 1 2 3 4 और 5, लेकिन यहाँ 5% लॉस हो गया है, तो -5 -5 पी और पी ओवरऑल हुआ है 7 7 7 7 7। यहाँ पर आपको दिख रहा है 3P, लेकिन ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 7 × 5 हो जाएगा 35 और प्लस ये हो गया आपका 10। P इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 3, यानी आ गया 15% का प्रॉफिट, ऑप्शन सी। सेम वही चीज है जैसा बाकी के दो क्वेश्चंस थे, और कुछ करना ही नहीं था। ये इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आप तो शॉर्ट में फटाफट निकल के आगे बढ़ सकते हैं, और यही तो क्वेश्चंस होते हैं और यही तरीका होता है जो आपको एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में 30 सेकंड से लेके 1 मिनट, या ये बोल सकते हो कि 0 सेकंड से लेके और 60 सेकंड के बीच में इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करा देता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, अमन वांट्स टू सेल एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अमन क्या कर रहा है, सीपी और एसपी, वो चाह रहा है कि 100 के आर्टिकल को वो 120 में बेच दे। अब हैड ही बॉट इट एट 10% लेस, 100 से 10 कम मतलब 90 में वो खरीदा होता है, एंड सोल्ड इट 660 रुपीज लेस बट स्टिल गेन्स प्रॉफिट ऑफ 20%। अब ये 90 पर भी 20% का इसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 18 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो 90 + 18 कितना हो जाएगा 108, 108 रुपये दिख रहा है। यहाँ पर इसको घाटा हुआ है कितने का, 12 का दिख रहा है, और यही 12 तो बराबर है 660 के, तो 1 = 12 25 60 12 25 60 55 आया। आपसे क्या पूछा हुआ है कि फाइंड ओरिजिनल सीपी। ओरिजिनल सीपी कितनी थी, 100, तो सीपी हो जाएगा 100 × 55, आंसर आ जाएगा 5500, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। ये तरीका इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत ही शानदार होता है और बहुत ही आसानी से आ भी जाता है। आपको यहाँ 2 सीपी और 2 एसपी देखने को मिलेगी। यहाँ से पहले हम रेशियो में डिफरेंस देखेंगे और उसी को वहाँ जो दिया हुआ एक्चुअल वाला उससे क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन, जहां दिया है अ मैन वांट्स टू सेल एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ, ये 20% है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, at a profit of 20%, if he had bought it at 20% less and sold it इतना रुपीज less, then he gains 40% profit। अब देखो यहाँ भी 100 से कितना हो गया 120 और ये हो गया 80, 80 पर आपका 40% बोला हुआ है प्रॉफिट, तो कितना आ गया 32, मतलब 80 प्लस 32 अगर करते हैं तो 112 आ जाएगा, यही है। अब 112 ये दिखा आपको, यहाँ पर 8 की वैल्यू दिया हुआ है 2480, 1 की वैल्यू हो जाएगी 310। अब यहाँ पर आपसे सीपी पूछा हुआ था, तो 310 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 31,000। बिल्कुल आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा A man wants to sell an article at a profit of 25%। 100 का बेचा है 125, 20% लेस मतलब 75 और फिर भी 25% का उससे प्रॉफिट हुआ है, तो 75 का अगर 25% की बात करेंगे तो कैंसिल आउट ये हो जाएगा 4, 75/4। एसपी हो जाएगा आपका कितना 75 + 75/4, यानी दिख रहा है ये 5 × 75 / 4, या बोल सकते हैं कि 375/4, ये रहने दो 375 / 4। माइनस करना है तो दिख रहा है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 500 हो जाएगा, तो यह आएगा कितना 125 / 4। इसी की तो वैल्यू है 25, 1 की वैल्यू हो जाएगी तो 25 में आप 125 / 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, यह आ गया 5, आया कितना 4/5। मैं अगर सीपी की बात करूं, सीपी कितना था 100, 100 का 4/5 करेंगे तो आएगा 80, 80। सी ऑप्शन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इस तरह के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को हम लोग ये पैटर्न यूज करके और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, डेसिमल में मत जाना, डेसिमल में जाओगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, जितना हो सके डेसिमल को अवॉइड करो। थोड़ा फ्रैक्शन लेके चल सकते हो, अगर फ्रैक्शन भी नहीं यूज करना है रेशियो लेके चला जाता है। चलो यहाँ बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 223 एंड अर्न डबल द प्रॉफिट दैट ही वुड हैव अर्न And ठीक है, he sold it if he sold it for 208, what is its cost price? देखो अगर ये 223 में बेचता है और 208 में बेचता है, यहाँ बेचता है और यहाँ बेचता है, दो चीजें हैं। यहाँ जो बेच रहा है जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे 2 गुना प्रॉफिट तो यहाँ पर बेचने पर हो रहा है, यही बोला है ना। देखो यहाँ बोला है क्या, अ शॉपकीपर सेल्स इन आर्टिकल फॉर, ये ठीक है, अर्न डबल द प्रॉफिट दैट ही वुड हैव अर्न इफ ही सोल्ड इट फॉर 208, 208 पर जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे 2 गुना यहाँ पर हो रहा है, तो यानी कि एक बार प्रॉफिट ज़्यादा यहाँ हो रहा है, कितना हो गया ये 15। अब आप अगर सीपी की बात करेंगे तो सीधा सीधा 208 में से 15 को आप माइनस कर देंगे, आ जाएगा 197। अब देखो ये आपको यहाँ से यही दिखा, नहीं 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 नहीं, वापस से देख लेते हैं इसको, क्या था सॉरी 223 और 208 ये था ना, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका हो गया है कितना 15 ही आ रहा है ना, हाँ, तो ये तो 208 में से माइनस कर देंगे 15, तो यहाँ से 3, अच्छा हाँ 193 आया, ठीक है। अब 193 क्या ऑप्शन है, नहीं, नन ऑफ दिस, देखो यहाँ पे होगा कि आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पर तो इसको कितना हो रहा था 15 का प्रॉफिट, लेकिन वही अगर यहाँ देखा जाए तो 30 का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट P है तो ये क्या हुआ 2P हुआ, उससे डबल हुआ। वही चीज़ यहाँ पे होता है, सीधे डबल बोला है तो आप यहाँ से देख लोगे क्योंकि एक बार प्रॉफिट यहाँ भी हुआ होगा, एक बार यहाँ रहा होगा। तो इसका मतलब ये दिख गया कि 193 में अगर 15 ऐड करते हैं तो 208 एक बार प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर 30 अगर ऐड करते हैं तो वो 22 आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिख गया कि ये डबल प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता ये। चलो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, अ मैन टैग्ड अ रेफ्रिजरेटर एट 15% डिस्काउंट फॉर सेल इफ ही ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ इतना to a customer, find at what price did he sold it to the customer। ठीक है, अब ये बोला क्या है, देखो 15% डिस्काउंट भी दे रहा है, ठीक है, और इतने में बेच रहा है, ये यही तो बोला हुआ है। तो ये इसका मतलब कि 15% इक्विवेलेंट होगा 1050 के, तो 1% हो जाएगा 70 के, यानी कि MP जो है आपका 100% वो हो जाएगा कितना 7000 का होगा। हमें निकालना है क्या SP, तो 7000 में से 1050 माइनस करेंगे तो 5950, क्योंकि SP निकालना है। गलती से भी 7000 नहीं लगा देना है, बोला है फाइंड एट व्हाट प्राइस डिड ही सोल्ड इट टू द कस्टमर। ठीक है, तो ये आपका तरीका होता है यहाँ पे सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ शॉपकीपर सोल्ड अ टीवी एट अ डिस्काउंट ऑफ 24% ऑन मार्क प्राइस इफ द कस्टमर पेड, ये दिया हुआ है फाइंड मार्क प्राइस। अब देखो सीधा बात 24% की अगर बात किया जाए तो 4 से ये 6 डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका 25, यानी यहाँ पर MP और SP का एक रिलेशन आएगा जो होगा 25 और 6 कम हो जाएगा तो 19। इस 19 की वैल्यू दिया हुआ है 6536 एक बराबर, देखो यहाँ 19 या 57 57 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा 83, अब 19 या 57 हो गया, 19 चौक 76 और 19 चौक 76 यही आया। एक की वैल्यू हो गई आपकी इतने के बराबर। MP की अगर बात करेंगे तो 344 इंटू 25 ये हो जाएगा आपका कितना 8 और 600। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, अगर 344 है तो 25 को आप 100 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 और 6 और वो 20 आ जाएगा। तो ये आसानी से मल्टीप्लिकेशन भी हमने सीख लिया। तो ये तरीका होगा आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आसानी से निकल के आ जाएगी वैल्यू। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 16000 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स इट इज सोल्ड फॉर इतना दिया हुआ है। इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 5% देन फाइंड द रेट ऑफ सेकेंड डिस्काउंट। एक काम कर ले, देखो 16000 पे एक तो पहले क्या बोला है कि 5% का, 5% बोले तो 1/20, मतलब इसका 19 डिवाइडेड बाई 20 तो क्या हो जाएगा फर्स्ट SP, और एक SP यहाँ भी दिया है 11400। तो क्यों ना ये देखो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद वाला SP और सेकेंड डिस्काउंट के बाद वाला SP रिलेशन निकाल लेते हैं। देखो 00 से 00, 1 से 1 गया, ये 8 ना, ये किससे कट जाएगा 19 से, ठीक है 6 टाइम्स, यहाँ पर कट गया ये 4/3, तो 4 पर 1 का डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा 1/4 यानी कि 25%। बस आसानी से आ जाएगा, कोई सक्सेसिव वगैरह लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बस पहला SP और दूसरा SP आपको दिख जाएगा। तो 25% ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ 45% डिस्काउंट ऑन 1000 एंड सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड 10% ऑन दिस सेम अमाउंट। एक देखो, एक तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला से के अलावा भी होता है, क्या होता है, कई कई बार हम लोग फ्रैक्शन वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है। तो 30% मतलब 3/10 हो जाएगा और 10% यानी 1/10। यहाँ पर एमपी और एसपी अगर देखेंगे आप तो देखिए 10 से हुआ है 7 और यहाँ 10 से हुआ है 9। आपको दिख जाता है ये 100 और ये 63। ओवरऑल डिस्काउंट यहाँ पर आपको दिखेगा कितना, 37, यही है ना। तो 37%। बाकी देखो ये यूजफुल होगा आगे भी, जैसे अगर 11 एंड 1/9% का डिस्काउंट दिया रहता है एंड 12.5% का डिस्काउंट रहता है तो ओवरऑल बोल देता है, तो ये हो जाता है 1/9 और ये 1/8। आपको दिखेगा 9 पर 1 का डिस्काउंट आपका 8 और 8 पर 1 का डिस्काउंट 7। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा तो दिख जाता है 2। तो ये 2/9 ये आ जाता है, मतलब 22 2/9% ओवरऑल डिस्काउंट हो जाता। ये हमारा इस तरह से सॉल्व करने का एक तरीका होता है। इसमें 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सक्सेसिव डिस्काउंट को सॉल्व करने के लिए। अब देखो ये आ गया 37% और एक दिया है कितना, 45%। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है आपका कितना, 8% का। बस यही तो 1000 का आपको क्या करना है, 8% निकाल देना है। आ गया कितना, 80। तो 80 रुपये का फ़र्क पड़ेगा इन दोनों के बीच में, बस वही चीज़ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन परचेज 2 आर्टिकल्स इन 9600 रुपीज़। ही सोल्ड फर्स्ट आर्टिकल एट 20% लॉस एंड सेकेंड एट 60% प्रॉफिट। देखो यहाँ पर सीपी और एसपी 20% लॉस पर बेचा है तो 100 का बेचा होगा 80 में, जबकि ये बेचा होगा 100 का 160 में। हुआ क्या, इफ़ सेलिंग प्राइस आर सेम। अब लो सेलिंग प्राइस सेम करना है ना, ये सेम नहीं था, सेम कर दो × 1। तो यहाँ सीपी और एसपी आपको दिख जाएगा कि ये हो गया आपका 200 और ये हो गया आपका 160, ये 100 और ये 160 हो गया इक्वल। अभी 2 सीपी आ गई हमारी, CP1 और CP2, 2 आर्टिकल का रेशियो दिख रहा है 2:1, मतलब ओवरऑल कितना हो गया ये 3 की वैल्यू भी दे रखी है कितना, 9600। 1 की वैल्यू हो जाएगी 3200। बस बोला क्या, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ सेम देन फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स। देखो 32 × 2 64 और 32 × 1 32, तो 6400 एंड 3200 इसका सही जवाब आ जाएगा। बस यहाँ पर जो रोल था वो इसका था, ताकि इस तरह से इक्वल लाया जा सके, या आप चाहते तो इसको फ्रैक्शन में भी यूज करके सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा। अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स, 1 एट 15% लॉस एंड द अदर एट 19% प्रॉफिट। तो 100 से एक 85 और 100 से एक 119। ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही अर्न अ लॉस ऑफ 90 रुपीज़। फाइंड द प्राइस ऑफ दिस सेकेंड आर्टिकल इफ एसपी ऑफ बोथ, अभी एसपी बोथ का इक्वल है ये सीपी। अब देखो ये 17, ये 17 × 5 होता है, ये 17 × 7 होता है। तो क्यों ना इधर हम 7 से और इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर आपको आ जाएगा ये 700 और ये 500, जबकि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5 = 35 और 8 × 7 = 56, 56 और 3 = 59। तो ये भी 595। बस बोला है कि उसको घाटा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ देखो यहाँ पे और यहाँ पर। अब यहाँ देखो जरा, सॉल्व करोगे तो ये आपको दिख रहा है 7×5 कितना हो गया, 1200। ठीक है, और ये आपको दिख भी रहा है 0 यहाँ पर 9 और ये हो जाएगा 5511। कितने का घाटा, 10 का। सच में कितने का, 90 का। तो एक वैल्यू 9 के बराबर। अब आपसे पूछा हुआ है किसका, 500 वाला पूछा है ना, तो ये 5 × कितना था, 9, 4500। तो 4500 हो जाएगा सेकेंड आर्टिकल का सीपी। यही काम करना था, यहाँ पर भी वही एसपी इक्वल ओवरऑल एसपीए ओवरऑल सीपीए और यहाँ से सॉल्व होते हुए दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम, सीपी सेम दे दिया है। फर्स्ट आर्टिकल सोल्ड एट 27% प्रॉफिट, ठीक है, एंड द अदर वन सोल्ड 600 रुपीज लेस देन फर्स्ट वन। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इफ नेट प्रॉफिट इज 25%। ये आ गया क्वेश्चन, देखो फर्स्ट आर्टिकल सेकेंड आर्टिकल, फर्स्ट पे 27% प्रॉफिट, सेकेंड पर नहीं मालूम है लेकिन ओवरऑल 25% है, 25% है, बस निकल गया यहाँ पर P% कितना होगा 25 × 250 माइनस 23% हो गया। पहला वाला 27% था, दूसरा वाला 23% था, कितना कम 4%, 4% की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 150, 100% की वैल्यू 15000, 15,000 यही बोला हुआ है फर्स्ट वन। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, हाँ 15,000 की दोनों आर्टिकल्स होंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होते हुए यहाँ दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा, अ मैन परचेज 1 टेबल एंड 1 चेयर इतने में, ही सेल्स द टेबल एट 10% लॉस एंड चेयर एट 10% प्रॉफिट, he gained 30 rupees in this transaction, find the cost price of the table। देखो यहाँ के केस में ना एक काम ये करना होता है कि हमें ओवरऑल प्रॉफिट निकालना होगा। ओवरऑल प्रॉफिट दिख रहा है 30 और 1500 इंटू 100% कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ 2%। और यहाँ देखो एलिगेशन चैप्टर पढ़े हैं उसमें आपको पता है एलिगेशन में क्या होता था, 3 आर्टिकल होनी चाहिए, 3 कोई भी, और सेम तरह की डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो प्रॉफिट 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 बस हो गया। फर्स्ट वाला लॉस में दिया है तो प्रॉफिट में कितना हो जाएगा -10, -10 किस पे है टेबल, और चेयर है वो आपका 10, ओवरऑल कितना 2। अब यहाँ से माइनस करेंगे, देखो 10 में से 2 जाएगा तो 8, लेकिन 2 में से -10 माइनस करेंगे तो 2 - -10 यानी कि 2 + 10 कितना हो जाएगा 12। गलती से उसको भी 8 मत कर देना, तो 2 में से -10 माइनस होगा तो 12, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 रेशियो 3, ओवरऑल 5 की वैल्यू है 1500, तो 1 की वैल्यू 300। अब यहाँ से आपका टेबल का ही तो पूछा था, टेबल कितना है 2, तो 2 × 300 यानी कि 600। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चेयर का पूछ देते तो 3 × 3 = 900 ये आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, शॉपकीपर अलाउ 23% कमीशन ऑन मार्क प्राइस एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। वो मार्क प्राइस पर यानी एमपी पर, यहाँ एसपी हो जाएगा यहाँ सीपी हो जाएगा, एमपी पर उसने छूट दिया 23% का तो 77 हो गया। फिर भी उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है, 10% बोले तो 1/10 मतलब सीपी अगर 10 हुआ तो ये कितना होगा 11। अब आप रेशियो मर्ज कर दो, ये 77 ये 11, 11 11 11 से ये 7 टाइम्स कट जाएगा, मतलब ओवरऑल हमारा 177 और 70 आ गया, दिख रहा है, यही तो चीज़ है। अब बोला है क्या ही गेन्स 56 रुपीज, दिख रहा है ये कितने का 7 इक्विवेलेंट है आपका कितने का 56, तो 1 हो जाएगा 8 के इक्विवेलेंट। आपसे पूछा हुआ था कि 100 एमपी पूछा है ना, मार्क प्राइस ऑफ आइटम, तो ये हो जाएगा कितना 800, 800 रुपये आपका मार्क प्राइस आ जाएगा, 800 रुपये, 800 रुपये। ए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एमपी एसपी और सीपी ये तीनों के बीच में एक बॉन्ड होता है, ऐसे दिख रहा है एसपी जिसमें कॉमन होती है। चलिए नेक्स्ट, अब अंतिम पड़ाव की तरफ हम लोग जा रहे हैं और 2 क्वेश्चन रहेंगे इसके बाद। अ मैन बॉट एन आर्टिकल फॉर इतना दिया हुआ है, ही देन मार्क अप द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग 15% एंड आफ्टर दैट ही अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस। यहाँ पे इसकी वैल्यू की क्या जरूरत है, नेट प्रॉफिट तो पूछा है, तो एक काम करें, देखो एमपी कितना हो जाएगा 115 होगा। अब यहाँ पर डिस्काउंट कर दो, 115 पर 12% का डिस्काउंट कर दो, यही हुआ है। तो यहाँ पर आप एक काम करें, इसको 2 से 6, इसको 5 से 23 और ये हो जाएगा आपका 10, मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी। तो ये 6×3 यही हुआ है ना 23, हाँ 18, और यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका, ये 6×2 12, 12×1 13, बस 13.8 का डिस्काउंट दे देगा। किस पे, 115 पे। तो 115 माइनस 13.8 यानी आ जाएगा 101 ही होगा, 1.2 बस। और हमारा सीपी कितना था 100, तो यहाँ दिख गया 100 से ये कितना बड़ा है 1.2%, बस 1.2% ये रहा, सीधा सीधा। बस डिस्काउंट देखना था 115 पे और यहाँ से आ जाता। या इसके अलावा एक और तरीका है, वो अप्लाई आप कर सकते थे। 15% की अगर बात किया जाए तो 3/, कितना हुआ 20, एमपी सीपी ये आ जाएगा, ठीक है। और डिस्काउंट भी तो दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एसपी। अब देखो ये अगर 20 ये था तो ये 23 था, और 12% की अगर बात करेंगे तो 4×3 और ये 25 हो गया। मतलब ये अगर 25 होता है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 22। अभी क्या करना है, रेशियो मर्ज, 23 ये 25 ये। अब यहाँ पर ये है 23 × 22, जबकि ये 20 × 25, यहाँ पर ये हो गया 500, जबकि ये हो जाएगा 22 या 66, 22×2 44 और 6 50, 500 पे 500 6, 6 आ गया। मतलब 6 ÷ 500 इंटू आपका 100, कैंसिल आउट 1.2%, बस। यहाँ से भी वही चीज़ आ जाएगा। तो ये एक तरीका ये भी होता है, दूसरा वो होता है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर जहाँ दिया हुआ है, और शॉपकीपर सोल्ड अ टीवी एट प्राइस, ये गिवन है। इफ ही ऑफर 8% डिस्काउंट देन ही गेन्स, अच्छा डिस्काउंट दिया हुआ है ना वो 8%, यानी कि 2/25, कैंसिल आउट हो जाएगा ना 4 से। तो यहाँ एमपी और एसपी की बात कर लेंगे, 25 दो कम हुआ है तो 23। सीपी का भी बात यहाँ पर हुआ है क्योंकि 19.6% बोला है, तो ये आपका हो जाएगा अगर 100 तो ये 119.6, मर्ज कर लेते हैं 23 और 119.6। अब देखो एक चीज़ और दिया हुआ है, ये कैंसिल आउट हो रहा है और ये भी हो जाएगा 23 × 4, यही होगा नहीं 5 हो जाएगा, 23 × 5 ये 5, 115 फिर 4.6 मतलब 0.2, बस हो गया। अब ये 25 × 2 हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 25 × 5 और +5 आपका कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, और जबकि ये 100। यहाँ से दिख रहा है कितना बढ़ा है वो 30%। आपसे यही तो पूछा है, ठीक है, ही फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अगर वो एमपी पर ही बेच दिया होता तो इससे 30% का प्रॉफिट होता। इस वैल्यू की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परसेंट से परसेंट पूछा हुआ है, तो फिर उसकी नीड नहीं पड़ती है और इसके बिना ही ये सॉल्व हो जाता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फिक्स्ड व्हेन अ मैन सोल्ड द आर्टिकल एट 1/3 ऑफ ओल्ड एसपी, मतलब अगर सीपी और एसपी की बात करते हैं यहाँ, देन ही सफर 40% लॉस। तो ये 100 हुआ तो ये 60, ये क्या है आपका न्यू एसपी, और ये है क्या 1/3 था, मतलब इसके 3 गुना क्या होगी ओल्ड एसपी। तो 60 × 3 180। अब क्या बोला है, इफ वी सोल्ड आर्टिकल एट ओल्ड एसपी देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट, दिख रहा है ये 80%, 80% का इसको लाभ होता अगर ये ओल्ड एसपी पर इसे बेच देता। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी होता है फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक आपका एसआई एंड सीआई हम लोग पढ़ते हुए यहाँ पर दिखेंगे। तो कल के क्लास में आप लोगों को मिलेगा एसआई और सीआई, यानी कि आपका क्या सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो क्लासेस बाइलिंगुअल होती है, क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होती है, जहाँ पर आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट बताया जा रहा है तो साधारण ब्याज भी बताया जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी बताया जाएगा। ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं या पढ़ेंगे उसमें आपका फॉर्मूला यूज उतना नहीं होगा। एक बेसिक फॉर्मूला एसआई में यूज होगा, सीआई में तो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे और हम लोग सिर्फ मेथड से चलेंगे जो रेशियो और परसेंटेज के हेल्प से होता है। ठीक है, तो एक काम जो कि आज यूजुअल जरूरी भी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ ये सेशन को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो। और आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक पर भी क्लिक जरूर करें और कमेंट करें ताकि उस चीज़ का हमारे तक पहुंच पाए इन्फॉर्मेशन आपकी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।